जय हिंद। कैसे हो बच्चों आप लोग? आईआरओ का जो फिजिकल का डेट है वो बिल्कुल आ गया है, और इसके अंदर काफी सारे बच्चे मतलब कि ये सोच रहे होंगे कि भर्ती का डेट बहुत आगे पीछे कर दिया है। सितंबर से भर्ती शुरू होकर के नवंबर तक गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सितंबर और नवंबर में ज्यादा गैप नहीं है। तो इस भर्ती के अंदर जाने से पहले जो बातें आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में मैंने एक बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से बता दिया है। अगर कोई मेरी बात समझ ना पा रहा हो तो पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें ध्यान रखना, नहीं तो इतने मुश्किल के बाद ये भर्ती आप लोगों के नसीब में आया, कहीं ऐसा ना हो कि कोई छोटी मोटी गलती हो जा रहा भर्ती से बाहर हो जाओ। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और आखिरी तक सुनना, क्योंकि ये भर्ती का स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक बता रहा हूं। बीच में टाइम नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो एक एक करके सुन लेना। फिजिकल डेट वाले बच्चों के लिए जरूरी सूचना है, फिजिकल डेट नवंबर तक गया, सितंबर से नवंबर तक गया तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छी बात है कि आपको अच्छा टाइम मिल गया है। जिन लड़कों का 7/9/2022 से शुरू है उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूं कि भर्ती के अंदर कैसे जाना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे आखिरी तक आपको वर्दी लेकर के सिलेक्ट होकर के निकलना है। तो आगे मैं आपको बता देता हूं कि 5 तारीख से आपको भर्ती की तैयारी की रणनीति बनानी है। ऐसा नहीं कि 7 तारीख की भर्ती है तो 7 तारीख को अपना दिमाग खोलो। आपको 5 तारीख को एक तो ट्रेनिंग बंद कर देना है, कोई ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना, ग्राउंड में जाकर के पूरा दमखम मत लगाना, रेस्ट बे में रहना, वार्म अप करना पूरा। और 5 तारीख को एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना आपको कि आपको पैकिंग की तैयारी करनी है और प्लस आपको रेस्ट भी लेना है। अब इसमें पैकिंग क्या क्या करना आपको अपने बैग के अंदर, क्योंकि भर्ती में मोस्टली बच्चे जो सामान की तैयारी करके नहीं जाते तो वो बंदे वहां पे बहुत ज्यादा चोट खाते हैं। एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलना, ध्यान रख लेना, मुझे पता है कि एडमिट कार्ड आप लेकर के जाओगे। ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने बैग में एक सिक्वेंस वाइज करके लेकर के जाना है, और जितने भी ओरिजिनल है उसको फोटोकॉपी करवा करके 3 सेट बना लेना। मैंने लिख दिया कि 3 फोटोकॉपी सेट लेके जाना है डॉक्यूमेंट का। उसके बाद फोटो लेकर के जाना अपना, 20 फोटो ले लेना, सिक्वेंस वाइज सिक्वेंस बता रहा हूं, एक भी चीज गलती मत करना। 5 पेपर ले लेना, A4 साइज का जो ब्लैंक पेपर होता है ना वो 5 अपने बैग के अंदर डाल लेना, डॉक्यूमेंट के अंदर ही जरूरत पड़ सकता है वहां पे आपको। स्टेपलर लेना, फेविस्टिक ले लेना, फ्लूड ले लेना, पेन ले लेना, पेंसिल ले लेना, रेजर ले लेना, शॉर्पनर ले लेना। ये छोटे 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 चीज है वो आपको अपने बैग के अंदर डाल करके रखना, ताकि आपको ऑन ग्राउंड भर्ती के अंदर किसी से मांगना ना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े, अपने लाइन से इधर उधर भागना ना पड़े। तो ये सारी चीजों का तैयारी आप अपने बैग के अंदर कर लेंगे। और जो रेस्ट है वो रेस्ट के अंदर आप अपना बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खा करके रेस्ट कर लेंगे। अब आ जाओ आप 6/9/2022, मतलब कि आपको अगले दिन रीचेक करना है। मतलब कि 5 तारीख को आपने तैयारी कर ली पूरी, 6 तारीख को जब आप सुबह उठे हो तो आप अपना 10 बजे 11 बजे रीचेक कर लेना कि जो सामान जैसा था किसी ने निकाल निकाल के इधर उधर तो नहीं कर दिया। रीचेक करके रात को 8 बजे आपको राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर पहुंचना है। भर्ती 7 तारीख को है लेकिन आपको 6 तारीख को रात को 8 बजे भर्ती ग्राउंड के अंदर पहुंचना, राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर, ठीक है, बवाना वाले में। तो ये मैंने लिख दिया है, कोई ऐसा ना हो कि अपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाए कि मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूं तो मैं उसी रात को पहुंच जाऊं। भगदड़ में मत जाना, आराम से पहुंच जाना। वहां पे क्या तौर तरीका सारा चीज कर लेना, वहां पे आपके साथ 7 तारीख को किस तरीके से क्या एक्टिविटी होगी मैं आपको सिक्वेंस वाइज बता देता हूं। रात को 1 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आपको एंट्री करवाया जाएगा, जो बंदे वहां पे दौड़ मारेंगे उसके लिए। रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक आपका वहां पे फिजिकल दौड़ होगा, जिसके अंदर आपका 1600 मीटर का रेस, जिगजैग बैलेंसिंग, बिम और लॉन्ग जंप जिसको 950 डिच बोलते हैं, ये सारी एक्टिविटी होगी। उसके बाद दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक जो भी आप कागज लेकर के जा रहे हो भर्ती के अंदर वो टेंपरेरी आपका चेक होगा। उसके अंदर जो अगर किसी का फुल फाइनल है तो रख लेंगे, नहीं तो अगर पेंडिंग होगा तो आगे मैं आपको बताता हूं क्या किया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट डे मेडिकल होगा आपका, आपको अगर वहां पे हो सके तो आपको 2 दिन का टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको फाइनली बता देता हूं कि नेक्स्ट डे ही आपका मेडिकल का डेट होगा। जिस दिन आपका फिजिकल हो रहा होगा उसके अगले दिन ही आपको मेडिकल के लिए वहां पे बुला लिया जाएगा। उसके बाद 15 दिन का पेंडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम दिया जाएगा। आपको जो भर्ती ग्राउंड के अंदर कागज लेके गए हैं उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो पेंडिंग कागज होगा वो आपसे मांगेंगे। अगर फिजिकल क्लियर हो जाता कि आप इतने तारीख तक ये कागज जमा करवा दो, नहीं तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। अगर पेंडिंग डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देते तो आपका रिटर्न का एडमिट कार्ड का डेट बता देंगे या फिर एडमिट कार्ड देने के लिए बुला लेंगे कि आप इतने तारीख को आकर के एडमिट कार्ड ले लेना। अगर आप डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट नहीं
नहीं करेंगे पेंडिंग तो आपको एडमिट कार्ड किस दिन लेना है वो डेट आपको नहीं बताया जाएगा। उसके बाद नवंबर से दिसंबर में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, नवंबर से आपका दिसंबर के अंदर रिटर्न एग्जाम होगा। मतलब कि आप देख लो कि जिन बच्चों का सितंबर में है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका नवंबर में ही फिजिकल है तो उनको तैयारी का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम होता ही 7 दिन के बाद आपका मेरिट लिस्ट लग जाएगा। जिस बच्चों का फिजिकल और रिटर्न के वजह से मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उनका सिलेक्शन माना जाएगा और उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। अगला जो सबसे मेन बात बताने वाला हूं, उन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान रख लेना, नहीं तो भर्ती तो दूर की बात है, आप भर्ती ग्राउंड तक भी जाने के लायक नहीं बचोगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रख लेना। एक ये हिदायतें, आपको सबसे पहले ग्राउंड स्टेडियम में लेट नहीं जाना। आपको मैंने रात को 8 बजे बताया, 6 तारीख को 8 बजे पहुंच जाना, जब 7 तारीख को अगर भर्ती है तो। जिस बच्चे का जिस दिन भर्ती उससे 1 दिन पहले रात को 8 बजे पहुंच जाएगा। ज्यादा फालतू बोलना नहीं है और ना ही ज्यादा किसी को ज्ञान देना है कि देख भाई मैंने तो ये किया वो किया, किसी को कोई फालतू फंड का ज्ञान नहीं देना है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन बना करके रखना, फौज की भर्ती है, आर्मी रैली भर्ती है, बहुत ज्यादा वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, तो वहां पे किसी के चक्कर में मत फंस जाने, तो आपको बाहर कर देंगे। डॉक्यूमेंट का ध्यान रख लेना, भगदड़ में ऐसा ना हो कि आपका कोई कागज इधर उधर गिर जाए और आप भर्ती से वैसे ही परेशान रहते हो और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट के लिए भी परेशान हो जाओ। भर्ती प्रोसीजर को समझते हुए वहां पे जो भी अधिकारी है, जो भी वहां पे जो फौजी तैनात है, जो आपको बताता है उसकी बात को मानना है, जहां बैठाता है वहां पे बैठना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और एक ऐसा कोई भी गतिविधि मत करना जिससे कि आपको पीसीसी करवाने में कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, क्लियर है बेटा। तैयारी आपको क्या क्या करना है, मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन की पहले से ही तैयारी रखना। 7 तारीख को भर्ती है जिस बच्चे का, वो मेडिकल के लिए अपना हल्का फुल्का कान साफ करवा लेना, ठीक है। आप अपना अंडर आर्म जो भी है आप अपना पहले से फिट रखना। भर्ती के 1 दिन पहले कोई भी बच्चा कहीं पे भी ब्लेड मत इस्तेमाल करना, नहीं तो थोड़ा बहुत कट फट गया तो आपको दिक्कत परेशानी होगी दौड़ने में, क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रख लेना, मेडिकल का और कागज का पहले से ही तैयारी कर लेना। इस बीच में कोई बड़ा मेडिकल का कोई ऑपरेशन या कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाना, ठीक है। इनके लिए तैयारी भर्ती जैसा शुरू कर देना, क्योंकि देखो आपको पता है कि भाई आपने दौड़ मारना है और 101% आप दौड़ में पास हो जाओगे। तो जिन बच्चों का सितंबर में उनके लिए तो ठीक है, वो तो मजबूरी में पढ़ेंगे क्योंकि उनके पास टाइम है, लेकिन जिन बच्चों का नवंबर में अक्टूबर में फिजिकल है उन बच्चों के लिए सख्त एडवाइस दे रहा हूं कि भाई आप अपना समझ लेना कि मेरा दौड़ क्लियर हो गया और मेरे को रिटर्न की तैयारी बिल्कुल वैसे ही करना जैसा फिजिकल टूटने के बाद किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दोस्त या रिश्तेदार से ज्यादा भर्ती के बारे में डिस्कस मत करना, या किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के साथ अब और भर्ती के लास्ट तक उसके साथ कहीं घूमने या कहीं उसके बाइक पे इधर उधर ड्राइव करने मत जाना, नहीं तो भर्ती में आप अनफिट हो जाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं किसी रिश्तेदार परिवार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख लेना है और भर्ती के अंदर एक एक जो भी सारा प्रोसीजर होगा मैं 1 by 1 करके आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होता तो नीचे कमेंट्स में लिखना कि सर ये चीज नहीं पता, ये चीज क्या होगा, तो मैं आपको पूरा गाइडलाइन करूंगा, क्लियर है बेटा, ठीक है। जय हिंद।